नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो 16 जनवरी को ओप्पो ने अपना ओप्पो F15 लॉन्च किया। ये फोन ओप्पो F11 का सक्सेसर है। बहुत दिनों के बाद ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। इस फोन के बहुत सारे चर्चे हैं, बट दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है वो इस फोन के हाईलाइट के बारे में नहीं, बल्कि इस फोन में आपको कौन कौन से प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस फोन की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा है, ओवर प्राइस ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है ओप्पो F15। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस फोन में आपको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप खरीदना चाहते हो ओप्पो F15 तो इस वीडियो को जो है वो एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपको कंफर्मली पता चलेगा कि क्या सच में आपको ओप्पो F15 को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हो टाटक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे कॉम्पिटिशन, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी एंड जल्दी से जाइए एंड पार्टिसिपेट कीजिए गिव अवेज में। तो चलिए बात करते हैं ओप्पो F15 के प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है दोस्तों इस फोन की बिल्ड क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, फोन दिखने में काफी कमाल का है, मल्टी कलर्स के कलर कॉम्बिनेशन, एक प्रीमियम लुक ये फोन आपको देता है। बट दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे इस फोन में आपको देखने को मिलती है प्लास्टिक की बॉडी। जी हाँ दोस्तों, इस फोन की प्राइस है 20,000 एंड 20,000 की प्राइस रेंज में आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने मिलती है। इसमें किसी भी तरीके की ग्लास कोटिंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दिखने में ये ग्लास कोटिंग लगती है, बट इस फोन में आपको किसी भी तरीके की ग्लास कोटिंग नहीं देखने मिलती है। 10 से 12 हजार के स्मार्टफोन में अब हमें ग्लास कोटिंग देखने को मिलती है, बट इस फोन में नहीं देखने को मिलती। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे एक एवरेज सी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। सिर्फ इस फोन का लुक बेहतरीन है, बट बिल्ड क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक है। दूसरा प्रॉब्लम है इस फोन का परफॉर्मेंस। दोस्तों इस फोन की प्राइस है 20,000 एंड इस 20,000 की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता है हीलियो P70। दोस्तों ये एक से डेढ़ साल पुराना प्रोसेसर है एंड यही प्रोसेसर आपको 8 से 10 हजार की प्राइस रेंज में भी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हाई ग्राफिक्स वाले गेम आप इस फोन में खेलना चाहोगे तो नहीं खेल पाओगे, क्योंकि ये प्रोसेसर उसके कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पे इस फोन का जो परफॉर्मेंस है वो डे टू डे लाइफ के लिए काफी कमाल का है, बट अगर आप गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो इस फोन की तरफ देखिए भी मत, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही पुराना प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड हाई ग्राफिक्स गेमिंग आप इस फोन में नहीं कर पाओगे। शायद से अगर इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G होता इस प्राइस रेंज में तो ठीक ठाक था, बट यहाँ पे 20,000 की प्राइस रेंज में आपको 1 से 1.5 साल पुराना वाला प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस इस फोन का जो है वो ठीक ठाक है, तो ये मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम लगा। इस फोन का तीसरा प्रॉब्लम है इस फोन की बैटरी लाइफ। जी हां दोस्तों, इस फोन में आपको देखने को मिलेगी सिर्फ 4000 mAh की बैटरी। दोस्तों इस फोन की प्राइस है 20,000, मेरे हिसाब से इस फोन में 4.5 से 5 हजार mAh की बैटरी लाइफ देनी चाहिए थी, बट छोड़िए इस बात को। ये फोन जो है वो USB टाइप सी को सपोर्ट करता है, बट दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिलती है वुक चार्जिंग वर्जन 3.0 का चार्जर। जी हाँ दोस्तों, ये भी चार्जर 1 से 1.5 साल पुराना है। Realme 3 Pro के साथ आपको ये चार्जर देखने को मिलता है। उस फोन की प्राइस है 10,000, 10,000 की प्राइस रेंज में आपको वुक चार्जिंग वर्जन 3.0 देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको वुक चार्जिंग वर्जन 4 देखना चाहिए था, क्योंकि वो चार्जर लॉन्च भी हो चुका है एंड वो 30W का चार्जर है एंड ये जो चार्जर है वो है 20W का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम पावर देने वाला चार्जर जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस फोन कि एक तो बैटरी भी कम है एंड आपको पुराना चार्जर इस फोन के साथ प्रोवाइड किया जाता है। चौथे प्रॉब्लम की बात करें तो दोस्तों चौथा प्रॉब्लम काफी बड़ा है, जो कि एक कैमरे के मामले में। दोस्तों इस फोन में आपको 4 कैमरा तो देखने को मिलते हैं, बट इसका जो प्राइमरी लेंस है वो है 48 मेगापिक्सल का। दोस्तों 10 से 12 हजार की प्राइस रेंज में आपको 64 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिलता है, बट इस फोन में आपको जो है वो 48 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिलता है। सेकेंडरी लेंस है 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल का है। थर्ड लेंस 2 मेगापिक्सल का माइक्रोन लेंस है एंड फोर्थ लेंस है 2 मेगापिक्सल का, जो कि डिप सेंसिंग के लिए काम आएगा। बट दोस्तों अगर नजर डाले प्राइसिंग पे तो प्राइस के हिसाब से इस फोन में आपको 10 से 12 हजार के कैमराज प्रोवाइड किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर Redmi Note 8 Pro पे नजर डाले या फिर Realme X या फिर XT पे नजर डाले तो वहां पे आपको इससे बेहतरीन कैमराज देखने को मिलते हैं। वहां पे 64 मेगापिक्सल के लेंस देखने को मिलते हैं, उसकी कैमरा क्वालिटी काफी कमाल की है। तो यहाँ पे दोस्तों इस फोन में जो कैमरा प्रोवाइड किए गए हैं वो 10 से 12 हजार की प्राइस रेंज वाले कैमरे हैं। तो मेरे हिसाब से इस फोन में आपको जो है वो और बेहतरीन कैमराज देने चाहिए थे। पांचवी प्रॉब्लम की बात करूं तो वो प्रॉब्लम मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों, इस फोन की ओवर प्राइस। यहाँ दोस्तों इस फोन में आपको एक तो ठीक ठाक कैमरा देखने को मिलते हैं, एवरेज से बैटरी लाइफ देखने को मिलती है,
परफॉर्मेंस भी इस फोन का एक एवरेज है एंड बिल्ड क्वालिटी भी एक एवरेज है, बट इस फोन की प्राइस जो है वो काफी हाई है, 20,000 इस फोन की प्राइस है। मेरे हिसाब से ये फोन अगर 13,000 से 15,000 की प्राइस रेंज में आता तो ठीक ठाक था, बट यहाँ पे इस फोन की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। 20,000 की प्राइस रेंज में आपको सिर्फ एक वेरियंट देखने मिलता है, जो कि है 8 GB रैम, 128 GB का स्टोरेज, जिसमें कि आपको दो कलर ऑप्शन देखने मिलते हैं। बट दोस्तों, रैम बेहतरीन होने से कुछ नहीं होता, अगर इस फोन का प्रोसेसर बेहतरीन होता तो इस रैम का फायदा होता। तो यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे मुझे फिर से ओवर प्राइस लगा ये फोन। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 5 प्रॉब्लम जो आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आपने ओप्पो F15 खरीदा तो, क्योंकि दोस्तों मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो इससे कम प्राइस रेंज में इससे बेहतरीन स्मार्टफोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि Redmi 8 Pro, Realme XT, वो काफी बेहतरीन स्पेक्स आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, Redmi K20 भी काफी कमाल का स्मार्टफोन है, तो आप जो है वो उन फोन की तरफ सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओप्पो का F15 इतना कुछ बेहतरीन है। तो दोस्तों, आप सोचिए आपको ये फोन खरीदना है या फिर नहीं, आपकी कौन सी प्रायोरिटी है, आपको क्या लगता है कि आप इस प्रॉब्लम के साथ डील करके इस फोन को खरीदोगे या फिर नहीं, प्लीज बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। एंड दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे चैनल पर चल रहा है कि वो है कॉम्पिटिशन, जिसमें कि आप काफी कमाल के गिफ्ट जीत सकते हैं, तो जल्दी से जाइए एंड पार्टिसिपेट कीजिए गिव अवे इस कॉम्पिटिशन में। सो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए एंड हमारे अपने वेक्टर टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।